नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक कबूतर के हम पर कैसे उखाड़ें। जैसे कि आप लोगों को पता है, फरवरी के लास्ट तक सभी लोग अपने कबूतरों के पर उखाड़ देते हैं। मैं किसी रीज़न के कारण थोड़ा लेट हो गया, बट कोई नहीं, अभी काफ़ी टाइम है। आज अपन अपने कबूतरों के पर उखाड़ेंगे, सारा कुछ बताऊंगा, सारा कुछ दिखाऊंगा इस वीडियो में। पर उखाड़ने काफ़ी सारे तरीके हैं दोस्तों, सब अपने अपने तरीके से पर उखाड़ते हैं, सबका तरीका अलग अलग रहता है। ऐसे ही मेरा कुछ तरीका है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। एक बात और बताना चाहता हूं, जब मैं ये शौक में नया नया आया था तो मुझे भी नॉलेज नहीं था परों के बारे में, उखाड़ते कैसे हैं। पर धीरे धीरे सीखा, लोगों से पूछा, धीरे धीरे नॉलेज बढ़ा, और जो सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है इस तरीके से पर उखाड़ना चाहिए, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तरीके काफ़ी सारे हैं कबूतर को तकलीफ़, लेकिन आप किसी भी तरीके से पर उखाड़ें, थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो कबूतर को होती ही है। ऐसा नहीं है कि कुछ तरीक़ों से उखाड़ने से तकलीफ़ नहीं होती, किसी भी तरीके से आप उखाड़ें पर तकलीफ़ थोड़ी बहुत कबूतर को ज़रूर होगी। एक बात का और ध्यान रखें दोस्तों, कबूतर के जब आप पर उखाड़ें उसके पहले उनका दाना पानी प्रॉपर कर लें, दाना पानी अच्छे से खिला दें उनको, उसके बाद ही पर उखाड़ें। पर उखाड़ने के बाद दाना देंगे तो कबूतर नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको तकलीफ़ होती है और वो परेशान होते हैं। एकदम से उनके पर, जो कबूतर उड़ रहा है एकदम से उसके पर अपन उखाड़ देते हैं तो वो परेशान होता है काफ़ी टाइम तक, फिर धीरे धीरे करके वो सेट होता है एक दो दिन में। तो इसलिए पहले आप दाना पानी प्रॉपर दे दें उनको, उसके बाद पर उखाड़ें कबूतर के। मैंने दाना पानी दे दिया हूँ कबूतर को, प्रॉपर दाना खा चुके हैं और पानी भी पी लिए कबूतरों ने, तो लेके चलता हूँ एक कबूतर और दिखाता हूँ किस तरीके से पर उखाड़ें कबूतर के। सो दोस्तों, कबूतर मैंने ले आया हूँ और आज सिर्फ इनके 10-10 पर निकालेंगे अपन दोनों तरफ के। अब देखिए, इस तरीके से आप अपनी दो उंगली से इसके कुंदे को दबा लें। ये देखिए, ऐसे आप दो उंगली से कुंदे को दबा लें, जो इसकी मांसपेशियां रहती है मेन जॉइंट्स, और एक एक पर ईजली फिर आप खींचें। ये देखिए, ईजली एक एक पर निकलेगा अच्छे से। थोड़ा सा तकलीफ होगी कबूतर को, बट कोई नहीं, ईजली निकल जाएंगे सारे के सारे पर। बीच बीच में फूक फूक के देखते रहें, कोई खून वाली कली तो नहीं है, खून वाला पर तो नहीं है, जो नया पर आ रहा हो, कोई झाड़ में निकल रहा हो तो उसको ज़रूर चेक कर लें। जैसे अब दूसरे तरफ का पर निकालेंगे अपन, एक, ये दो, ये तीन, ईजली पर निकल जाएगा भाई, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। फूक के बीच में आप पूरे पर पहली बार में पूरे पर आप चेक कर लें अच्छे से, कोई खून वाला पर तो नहीं है। उसके बाद एक एक पर आप खींचते जाएं। ये देखिए कितनी आसानी से पर निकल रहा है। तरफ के 10-10 पर अपने निकाल दिए इसके। अब 15 दिन के बाद पूंछ और जो इसकी बगली होती वो निकालेंगे। इजली इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं पर कबूतर के। ये देखिए दोस्तों, पर उखड़ चुके हैं कबूतर के, थोड़े से परेशान होंगे बट कोई नहीं, सेट हो जाएंगे एक दो दिन में। ये उखड़ गए हैं और यहाँ पर मादियों की भी वो उखड़ गए हैं सारे पर। सो दोस्तों, शाम हो चुकी है, मैंने कबूतर खोल दिया हूँ अपने, और जैसे कि मैंने सुबह मॉर्निंग में बताया था, पूरे कबूतरों के पर उखड़ गए थे मॉर्निंग में, और दाना मैंने दे दिया उनको। ये देखिए,
और रोटी ये रखी है, रोटी देंगे, रोटी चूर के मैंने रखा हूँ। जिनको भाई उड़ाना है उन्हीं के पर मैंने उखाड़ा हूँ, बस सारे कबूतरों के पर नहीं उखाड़ा हूँ मैंने, कुछ जोड़े वाले हैं और कुछ ऐसे ही कबूतर हैं घर के हिले हुए जो ठंड में उड़े थे, मैंने उन्हीं के पर उखाड़ा हूँ। और कुछ बच्चे तैयार हुए हो गए हैं, वो उनको मैंने आप लोगों को दिखा चुका हूँ। और कबूतर सेट हो गए हैं फिलहाल, अभी दिन में काफ़ी परेशान हुए थे कबूतर, क्योंकि एकदम से पर उखड़ते हैं तो कबूतर परेशान तो होगा ही यार, बट कोई नहीं, धीरे धीरे सब सेट हो जाएंगे। और अब इनको क्या देना है, अभी मैं इनको अंदर कर दूं, फिर आगे की वीडियो आप लोगों को दिखाता हूं। दोस्तों सारे कबूतर अपन ने अंदर कर दिए हैं, ये देखिए कुछ ऊपर बैठे हैं, और जिनके ये पर उखड़े हैं ये सारे कबूतर हैं, मादी और नर। अभी मादियाँ मैं ऊपर कर दूंगा वहाँ पर। तो अब इनको देना क्या है मैं ये बता दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि अभी इनको एक दो दिन तकलीफ होगी, तो इनको देना क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों ये एक गिलास में पानी है, एक गिलास से कम पानी है, ये थोड़ा सा कम पानी है, जैसे कि दिख रहा होगा आप लोगों को, एक गिलास से थोड़ा सा कम पानी है। और ये है डिस्प्रिन टैबलेट, ये डिस्प्रिन, जैसे कि सब जानते हैं ये टैबलेट के बारे में, ये सर दर्द की टैबलेट है, सभी लोग जानते हैं डिस्प्रिन के बारे में, ये सर दर्द की टैबलेट है। ये टैबलेट एक पानी में मिलाना है, मिला के दिखाता हूँ। ये देखिए एक ये टैबलेट है, मैंने डाल दी टैबलेट पानी में, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। ये देखिए मैंने 5 ml लिया हूँ एक कबूतर के लिए, सिर्फ इतना ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है, 5 ml सिर्फ 5 ml। आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें 5 लिखा भी होगा, ये देखिए। अब देखिए इस तरीके से आप सीरिंज से इसे ये दवाई पिला दें, तो सारे कबूतरों को मैंने जिनके जिनके पर उखाड़ा था मैंने आज उनको दवाई पिला दिया हूँ, जो कि मैंने अभी बना के आप लोगों को दिखाया हूँ, और अब इनको तकलीफ नहीं होगी, थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है बट रिलीफ मिल जाएगा वो टैबलेट से इनको। और अब इनकी एक दो दिन में डाइट भी चेंज हो जाएगी, दाने में थोड़ा सा चेंजेस करूँगा, वो भी आप लोगों के साथ आगे वीडियो में शेयर करूँगा क्या दाना इनको अब मैं दे रहा हूँ, जिनसे इनके पर प्रॉपर आए और अच्छे आए। वैसे मैं डाइट तो साल भर इनकी अच्छी ही रखता हूँ, बट अभी जो चेंजेस करूँगा वो मैं आगे की वीडियो में शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आ जाए उसकी। और टैबलेट ध्यान रखना 2 दिन सिर्फ देना है, बस उसके बाद नहीं देना है अपन को। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।